हेलो एवरीवन स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और आज हम इस सेशन में आपके लिए लेके आ रहे हैं कि क्या हमारा यूट्यूब शेड्यूल जो है वो क्लासेस का रहने वाला है अपकमिंग वीक्स के लिए इसमें कंप्लीट शेड्यूल की हम बात करेंगे ऑल ब्रांचेस के शेड्यूल की बात करेंगे हिंदी मीडियम का हिंदी माध्यम का जो है वो कौन कौन सी क्लासेज रहेंगी इंग्लिश मीडियम में कौन सी क्लासेज जो है वो चल रही हैं तो सारा शेड्यूल जो है वो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इस यूट्यूब जो शेड्यूल में सर बिल्कुल नमस्कार अनिल सर नमस्कार साथियों माय डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी एस जेई का जो बैच है चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम फुल पेस में चल रहा है और जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एस एस जेई में बेहतरीन कक्षाएं चलाएंगे और चला रहे हैं और आपका रिस्पांस देख के हम गदगद हो चुके हैं हमें बहुत मजा आ रहा है चाहे फ्लूड मैकेनिक्स हो चाहे स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटीरियल हो चाहे हिंदी बैच हो माई डियर फ्रेंड्स अमेजिंग रिस्पॉन्स मजा आ गया उसके लिए दिल से थैंक यू गाइस हमने ये प्लान करा है क्यों ना आपको अगले हफ्ते का जो शेड्यूल है मंडे टू सैटरडे आपको बताया जाए क्योंकि आप जानते हैं चाहे एचपीसीएल है है हो चाहे डीडीए हो हर संडे टेस्ट हो रहा है क्यों नहीं सर टेस्ट था आपका सर डेफिनेटली और टेस्ट जो हो रहा था वो अपना एप्लीकेशन पे हो रहा था उत्कर्ष ऐप पे हो रहा था और अमेजिंग रिस्पांस मिला सर वहां पे अमेजिंग रिस्पांस मिला लोगों ने अपनी रैंक देखी वहां पे कि कौन से रैंक पे जो है वो कौन सा स्टूडेंट रहा और बहुत अच्छा लगा लोगों को ये जो आपका रिजल्ट था ये अपन ने लाइव क्लास में शेयर भी करा

एस एस जेई में आपकी कौन कौन सी क्लासेस चल रही है हिंदी माध्यम देखो यहां पे लिखा हुआ अभी हिंदी में है तो आप समझ जाना कि सर ये हिंदी माध्यम रहेगा कि इंग्लिश मीडियम रहेगा तो ये तो कॉमन सेंस है पदार्थों का सामर्थ्य जो है वो आपका चल रहा है यानी सोम आपका चल रहा है शाम को पांच बजे रेगुलर डेली आपका शाम को महेश सर ये क्लासेस ले रहे हैं और आपका इसमें पदार्थों का सामर्थ्य चल रहा है सुबह नौ बजे यानी नाइन ए रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही है प्रबलित सीमेंट कॉन्क्रीट यानी क्या RCC की कक्षा है आपकी इसमें चल रही है और ये जो दोनों बैच है ये दोनों शेड्यूल है वो किस में चल रहे हैं आपके हिंदी माध्यम में चल रहे हैं सर इंग्लिश में क्या चल रहा है सर इंग्लिश में सर देखा जाए तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन बाय चेतन सर द लीजेंड माई डियर फ्रेंड्स शाम को आठ बजे रेगुलर क्लास हो रही है और जैसा अनिल सर ने बताया था कि पदार्थों का सामर्थ्य और आरसीसी ये प्योर हिंदी में चल रहा है गाइज ये yes, प्योर हिंदी में और बच्चों का रिस्पॉन्स अमेजिंग आ रहा है लाइकवाइज अगर बात करें हम डी के बारे में जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में दो पद उसका भी बैच चलाया जा रहा है में वहां पे फ्लूड मैकेनिक्स अनिल सर ले रहे हैं शाम को छह बजे और वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं और अनिल सर ने यह कहा है बच्चों से प्रॉमिस किया है कि क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सारा कोर्स करा देंगे फ्लूड मैकेनिक्स का माय डियर फ्रेंड साथ के साथ भूल मत जाना शाम को बजे दिनेश सर हमारे क्या ले रहे हैं रीजनिंग मतलब रोज शाम को सात बजे ये तो नोट कर लो ये क्यों अनिल सर बिल्कुल डेफिनेटली रेगुलर जो है वो ये क्लास चल रही है शाम को छह बजे से आपका मैकेनिक्स का सेशन होता है डीडीए जेई में और फ्लू मैके से यानी शाम को सात बजे से आपका रीजनिंग चल रहा है रेगुलर जिसमें आपको दिनेश सर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं इसके अलावा जैसे कि आपका नॉन टेक की सर जनरल साइंस जो हमारा एसएससी में आता है सर ये कब से स्टार्ट होगा कब से स्टार्ट होगा तो इस हाई डिमांड को हमने जो है वो क्या करा फुलफिल करने की कोशिश करी है एंड फ्रॉम दी एटीन जुलाई कब से एटींथ जुलाई को 18 जुलाई को सुबह समय नोट करो सुबह कितने सेवन एम सुबह सात बजे से ये कक्षा रहेंगी सर ये कौन ले रहा है बता पाएंगे दीपक सर ले रहे हैं हमारे और अट्ठारह तारीख से रेगुलर क्लास होगी नॉन टेक का डर अब भगाना है उत्कर्ष के साथ आपको आगे जाना है माय डियर फ्रेंड्स नॉन टेक जो आपके अंदर डर था ना कि टेक्निकल की तैयारी सब कराते नॉन टेक कहां से पढ़े तो आइए उत्कर्ष हम पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे बिना रुके पढ़ाएंगे बिना थके पढ़ाएंगे और मरते दस

जुलट ऑफ अगस्त से हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन आ जाए तो हाँ। नवंबर के आसपास जो है वो ये एग्जाम हो। होगा तो ऑलमोस्ट उस पूरे फोर मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है उस फोर मंथ्स के पूरे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने सारा शेड्यूल जो है वो डिजाइन करा है तो इट इज बेटर टू कि हम आपके साथ जो है वो शेयर करें जिससे आप भी अपनी पूरी प्लानिंग आपके टाइम स्लॉट्स जो 24 आवर्स में हैं वो फिक्स कर लो शेड्यूल के अकॉर्डिंग सो दिस इज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये सिविल इंजीनियरिंग का शेड्यूल रहेगा जिसमें हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस कोई नया अपडेट है क्योंकि ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वीक का है next week जैसे ही आपका कोई अपडेट होगा कौन सी सब्जेक्ट चल रहा है कौन सा सब्जेक्ट चेंज होगा वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सर बच्चे बहुत बोल रहे थे किशोर सर, तो तो सर ले रहे हैं फुल पेस में ले रहे हैं चार सौ चालीस वोल्ट वाली क्लास उनकी चल रही है और बच्चों का अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है माई डियर फ्रेंड सिमिलरली पावर सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अठारह तारीख से दिन में दो बजे मतलब पूरा हिंदी में चलेगा और इसे कौन सर 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 सुरेश सर लेंगे सुरेश सर। बिल्कुल, power system जो लेंगे, वो सुरेश सर लेंगे 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 बिल्कुल जो वो और नेटवर्क थ्योरी रहे हैं सुबह मॉर्निंग में नाइन ए रेगुलर क्लास चल रहा है बिल्कुल 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 इंग्लिश बैच की अगर अपन बात करें एस एस जेई में इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आपका इलेक्ट्रिक मशीन चल रहा है इलेक्ट्रिक मशीन चल रहा है दिस इज व्हाट कितने टाइम पे सात बजे शाम को और ये कौन ले रहा है सुरेश सर ले रहे हैं मतलब सर मैं देख रहा हूं अनिल सर की जो तो कोर सब्जेक्ट है ना पावर सिस्टम हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया जिसको सर जनरली लोग बाद में करवाते हैं हाँ। हम पहले कराएंगे बिल्कुल हमें आपका डर भगाना है हम सिंपल सिंपल सब्जेक्ट भी चला रहे हैं तो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उनको चलाना जरूरी क्योंकि यहां से आप नंबर ग्रैप करेंगे और नंबर ही नहीं आया ना तो कोई मतलब नहीं है अच्छा सर नॉन टेक के लिए क्या खास है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यस yes, exactly. उससे पहले नॉन टेक में तो रेगुलर आपका सर सेवन पी एम सेवन एम मॉर्निंग सेवन ए एम मॉर्निंग सेवन ए एम सात बजे मॉर्निंग यहां आपको डेली रेगुलरली क्या है जनरल स्टडीज जो है वो आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है और ये कब से स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से बिल्कुल कब से 18 जुलाई से यानी मंडे से सुबह आठ बजे जो है वो रेगुलर क्लास चलेगा सुबह सात बजे, बजे इसके अलावा अगर अगर बात करें तो महाट्रांस था इलेक्ट्रिकल के लिए क्योंकि वहाँ पे है, इसमें आपका क्या चल रहा है इलेक्ट्रिक मशीन चल रहा है जिसमें सुरेश सर जो है वो आपका क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा रहे हैं और इसका टाइमिंग जो है वो कितना है दिन में बारह बजे दिस इज नॉट दिन में बारह बजे जो है ये टाइमिंग रहेगा आपका इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे साथ के साथ रीजनिंग जो है वो रेगुलर शाम को सात बजे रेगुलर चल रहा है सेवन पीएम पे रेगुलर जो है वो आपका रीजनिंग दिनेश सर ले रहे हैं तो एक बैच जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है सो so ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा किसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल में सर नेटवर्क भी आप चला रहे हैं पावर सिस्टम भी आप चला रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, मशीन भी, आप चला भी चला रहे, रहे हैं।, हैं मतलब कितनी सॉलिड प्लानिंग के हम साथ हम आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि नवंबर में एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्दी हम एक ऐसा वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको अपकमिंग मंथ का शेड्यूल बता देंगे ताकि आप एक बार निफराम हो जाओगे की सर अब हमें टेंशन नहीं है सारी टेंशन हमको दे दो हम बताएंगे आपको किस तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये सारा का सारा सर ये चार्जेबल है कोर्स या पेड है क्या कोर्स? सर इट इज एब्सोल्यूटली फ्री इट इज एब्सोल्यूटली फ्री यहाँ कोई चार्जेस नहीं है एंड ये जो सारा बैच है एब्सोल्यूटली फ्री के साथ साथ एकदम क्वालिटी वाला कोर्स है बिल्कुल बिकॉज उत्कर्ष इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन इट्स कमिटमेंट हमने बोला है ये होगा मतलब होगा ऐसा नहीं है तो कि बच्चों, बच्चों का जो टेस्ट का पैटर्न है कि सर टेस्ट कैसे कराओगे उसके लिए कुछ प्लानिंग है सर बच्चों के लिए अपने लिए बिल्कुल डेफिनेटली कि जो जो टेस्ट 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 का हो रहा है सर, टेस्ट जो है सर वो अपने रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं जैसे डीडीए जेई की बात करें एचपीसीएल की बात करें इन दोनों के जो है वो सर दो दो तीन तीन जो है वीक हो चुके हैं बैचेज चलते हुए इनके रेगुलर अपन ने हर संडे को टेस्ट रखा है और कल जो संडे आएगा सर इस पर भी टेस्ट जो है वो डीडीए के भी होंगे और एचपीसीएल के दोनों के टेस्ट होंगे और ये टेस्ट कहां हो रहा है एप्लीकेशन पे हो रहे हैं तो उत्कर्ष का इलेक्ट्रिकल अच्छा। सब्जेक्ट, हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खत्म होते ही हम आपको टेस्ट लेकर आएंगे और टेस्ट उसकी बात में अभी रिवील नहीं करूंगा उस पर काम चल रहा है मतलब हम ये चाहते हैं कि बच्चे का सब्जेक्ट ओवर हो और टेस्ट सामने आए मतलब बच्चा बिल्कुल इंगेज रहे इंगेज बच्चा इंगेज हाँ, हैंड है सार। तो है है? पे सारा वर्क कर रहा है सारी हमारी कंटेंट टीम उसके पीछे लगी हुई है जल्दी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो हम वो भी लॉन्च करेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा तो ये आपका सारा शेड्यूल रहा किसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अब बात करते हैं किसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो आपका क्या शेड्यूल रहेगा अपकमिंग वीक के लिए सो लेट्स डिस्कस सर एस एस जेई की अगर मैं बात करूं तो एस एस जेई जो है वो अपने पास जो है हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बैच चल रहे हिंदी माध्यम में अभी जो है वो आपका चल रहा है पदार्थों का सामर्थ्य यानी सोम शाम को पांच बजे से कौन ले रहा है बाईदी महेश सर

सर मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमने एनालिसिस करा था बच्चों के प्रति दो सब्जेक्ट बताए थे हाँ। कि मैक्सिमम जो नंबर यहाँ से खींच सकते हो आप और दोनों के दोनों हम आपके लिए पहले लेकर आ रहे हैं बेसिक थर्मोडाइनेमिक्स और मंडे से अनिल सर फ्लूड में फ्लुइड में सर जीरो से हीरो बनाने का वादा सर लेकर आए हैं सर एक सर जितना समय लगे कोई बात नहीं मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा ये मत सोचना कि ये फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट है कोई पैसा नहीं लग रहा तो टॉपिक उड़ा देंगे नहीं बेटा पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे exactly. तो सर एक बार ये बता दो इसमें एड ऑन कर दो कि जो आप कल से मैकेनिक्स लेके आ रहे हो ना क्या ब्यूटी देने वाले हो बच्चों को सर बहुत लोग जो है वो क्या होते हैं जब सब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो कुछ फैकल्टीज का ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं जी तो वो क्राइटेरिया ऑलरेडी लेके चलते हैं लेकिन मैं जो है सर जीरो से भी स्टार्ट नहीं करूंगा आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेगेटिव नेगेटिव से अपन चलेंगे जीरो की तरफ और जीरो से अपन पहुंचेंगे पॉजिटिव की तरफ तो हम जीरो से भी स्टार्ट नहीं कर रहे मैं ये जब बात करेंगे तो अपन ये नहीं जानते कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता बट आपको क्या होना है कंटिन्यूअसली बैच के साथ बना रहना चाहिए अगर आप कंटिन्यूसली बेच के साथ बने रहोगे और साथ साथ दौड़ोगे तो डेफिनेटली विल विन द रेस तो मैकेनिक्स और ये जितने भी आपकी सब्जेक्ट्स जो सारे कोर्सेज हम यहां से कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से करेंगे और बेसिक से भी बेसिक लेवल से करेंगे और फुल एडवांस लेवल तक करेंगे सारी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी कंप्लीट थ्योरी मिलेंगे एंड सर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हम जी। आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फैकल्टी के खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स अगर हमको मिल जाए कैसे बनाएंगे कैसे पढ़ेंगे अगर तो वो मिल जाए तो मजा आ जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी भी प्लानिंग हो रही है उस वो भी आपको जल्दी मिलने तो बेटा सुबह आठ बजे थर्मोडाइनेमिक्स और दिन में दिन बारह बजे बेटा बारह बजे का मतलब ये नहीं सर मैं तो खाना खा रहा हूं मेरा तो ये टाइम नहीं है मैं तो सो रहा हूं नहीं बेटा अब वक्त नहीं है अनिल सर बारह बजे आ रहे हैं जितने डाउट तेरे को पूछने पूछ पूछो जो तेरे को है पूछ जो पूछ क्योंकि बेताज बादशाह बनना है तो मंडे से बारह बजे रेगुलर क्लास चलेगी अनिल सर की समय नहीं बताऊंगा एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा क्योंकि अनिल सर अगर अगर फ्लूड है वो तो बहेगा क्लास है वो तो बहेगी बिल्कुल तुम पकड़ो बात तो तब आ जाएगा ना कि सर आपका फ्लो मजा आ रहा है मतलब फिर चलने तो देखी जाएगी yes. तो ये दो सब्जेक्ट को लॉक करना मैकेनिकल वालों ये लॉक कर लेना so सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हम आपके लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं बेस्ट फैकल्टी वो भी सबसे पहले क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपका 50 टू 60 इन दो सब्जेक्ट के साथ ही टेक्निकल कंप्लीट हो गया बाकी का 40 आप इन को करो। हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें प्लानिंग करिए इसके अलावा सर अपना जो आपका एचपीसीएल और डीडीए जेई एचपीसीएल और डीडीए जेई में जो बैच चल रहा है वो चल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चलेगा कब से इक्कीस जुलाई से कब से 21 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और

बहुत पूछता बहुत है। पूछा बहुत ज्यादा पूछता है गाइस तो ये मत सोचना गाइस कि आप तीन दिन चार दिन क्लास कर लो एक हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से के माध्यम से कराया जाएगा और एज यूजुअल रीजनिंग और पॉलिटी के बारे में रेगुलर बार yes, चल, चल, चल रहा है शाम को सात बजे आपका चल रहा है शाम को सात बजे रेगुलर ये क्लासेस चल रही है जो रीजनिंग चल रही है इसके अलावा आपका नॉन टेक जो होता है इस नॉन टेक में जनरल स्टडीज है जनरल स्टडीज में हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं कब से मंडे एटीन जुलाई से मंडे 18 जुलाई से समय जो है वो आप नोट कर लो सुबह सात बजे बिल्कुल बिल्कुल सुबह सात बजे तो सर ये जो शेड्यूल है वो कॉमन शेड्यूल है जी सबके लिए मैकेनिकल हो चाहे सिविल ब्रांच हो चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो तीनों में ये जो सिलेबस होता है सर कॉमन होता है और ये कॉमन सिलेबस जो है वो आपका जनरल स्टडीज यानी पॉलिटी उसमें सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये सुबह सात बजे से स्टार्ट होगा मंडे से बिल्कुल बिल्कुल तो एक्चुअली कहने की बात ये है सर मैं ये देख पा रहा हूं कि बच्चों का जो रिस्पांस था हमारे प्रति वो अमेजिंग है amazing और हम है। बच्चों को जो दे रहे हैं चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो जिन दोनों में महारती बनना है देखो आप हमारे चैनल पे रीजनिंग भी चल रहा है आपका जीएस भी चल रहा है आपके कोर सब्जेक्ट भी चल रहे हैं और क्या चाहिए यार और सारा का सारा फ्री में आपको मिल रहा है सर इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी चल रहा है आ, अलग अलग अच्छा बच्चों का एक डाउट सर मैं देख रहा हूँ बच्चों का डाउट ये हो सकता है कि सर जो आप जनरल स्टडी पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ाओगे क्या पूरा पढ़ाओगे क्या आधा पढ़ाओगे क्या आधे में तो नहीं छोड़ दोगे सर क्या है इसकी स्ट्रेटेजी को कर दो ना सर इसकी स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो सर सर से हमने बात करी थी इस इसे तो ये जो क्लासेस होंगी इसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाएंगी इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और रेगुलर ऐसे चलेगा रेगुलर आपका चलेगा और इसमें से जनरली अपन थोड़े ही जल्दी सर से जब बात हुई थी तो थोड़े ही टाइम के बाद में हम इसमें क्या है सर जनरल साइंस भी एड कर देंगे जनरल साइंस भी इसमें एड कर देंगे ताकि दोनों पोर्शन जो है वो आपका क्या होता जाए जल्दी कवर हो जाए सो तो कहने की बात हो गई सर अनिल सर मैं ये देख रहा हूं कि सुबह छह से सात का स्लॉट कुमार गौरव सर या आप जानते हैं <laughs> और सात बजे आपको उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस मतलब इंगेजमेंट देखो आप कि बच्चा जो है ना मतलब नॉन टेक के लिए इधर उधर नहीं जाएगा नॉन टेक मतलब टेक्निकल कुछ भी हो हाँ। आपके सारे सब्जेक्ट का सलूशन यही है यही है आपके सारे एग्जाम का सलूशन यही है चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो और सर आजकल ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ना आए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तो जितने भी स्टेट ए जेई या एस एस जेई की अपन बात कर रहे हैं उन सब में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो रहा है सारा सिलेबस हो रहा है और सारा सिलेबस जो है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट बिल्कुल बिल्कुल तो समय समाप्ति की घोषणा करते हुए पहले हम आपको चाहेंगे शाम को हिंदी माध्यम के लिए चल रहा है सोम और सुबह मॉर्निंग में नाइन ए चल रहा है आपका हिंदी माध्यम के लिए सीमेंट कॉन्क्रीट यानी आरसीसी इसके अलावा जो है इंग्लिश बैच जो चल रहा है उसमें हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन चल रहा है शाम को आठ बजे रेगुलर बैच चल रहा है हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन डीडीजे -E जो है इस डीडीजेई -E में हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसमें फ्लूड है और यह चल रहा है शाम को छह बजे से नेक्स्ट और सर ये दोनों कॉमन है ये, ये। बेटा दोनों कॉमन रहेगा चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो ये दोनों कॉमन है रीजनिंग शाम को सात बजे और जीएस मॉर्निंग में सात बजे गाइस फटाफट से एक बार ये भी देख लीजिए फटाफट पड़ से रिकॉल इलेक्ट्रिकल के लिए है इलेक्ट्रिकल में आपका हिंदी मीडियम में नेटवर्क चल रहा है ये किशोर सर ले रहे हैं सुबह नौ बजे पावर सिस्टम चलेगा दिन में दो बजे

इसके अलावा एस एस सी जेई की अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में आपका बेसिक चल रहा है ये सुबह मॉर्निंग में 8 सुबह बजे 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 चल रहा है और जो है है और मैकेनिक्स जो वो दिन में चलने वाला है, कितने बजे से बजे से 12 जुड़ना ना बोले मंडे से इसके अलावा एचपीसीएल और डीडीए जेई में आपका जो है वो प्रोडक्शन चल रहा है जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी शाम को आठ बजे से इक्कीस जुलाई से प्रोडक्शन चलेगा अभी उसमें थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है उसी टाइमिंग शाम को आठ बजे और रीजनिंग और जनरल स्टडीज का जो शेड्यूल है ये कॉमन है आपके लिए हर ब्रांचेस के लिए so तो बने रहिए हमारे साथ और ये जो टाइम स्लॉट्स हैं वो फिक्स कर लो आपके शेड्यूल में चलिए गाइस अब बाय-बाय करने का समय आ गया है बिकॉज रखना उत्कर्ष आपके लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा है माई डियर फ्रेंड्स तो हमें जो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद थैंक यू मैं you. चाहता हूं गाइस वीडियो को शेयर करना लाइक like करो सब्सक्राइब करो मतलब फैला दो आपकी तरह क्वालिटी yes. चाहिए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है तो चलिए गाइस बाय बाय टेक केयर धन्यवाद थैंक यू सो मच गुड लक